नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं एक प्रमुख सब्जेक्ट जो कि प्राचीन भारत एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित है। और प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में हम लोग अपने पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि कैसे मौर्य साम्राज्य का निर्माण हुआ, और मौर्य साम्राज्य के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य की जब पतन व्यवस्था हो गई, जब मौर्यों का पतन हो गया, तो कैसे एक छोटे छोटे इतने बड़े साम्राज्य पर, इतने बड़े भूभाग पर एक छोटे छोटे साम्राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, आइए बात करते हैं। चूंकि आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था, और जब धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का अंत होने लगा तो आप देखेंगे कि एक ऐसा समय जहां एक और लड़खड़ाता मौर्य साम्राज्य भारत में साम्राज्यवादी प्रयोग के पहले चरण को समाप्त कर रहा था, तो मौर्य साम्राज्य का अंत होने से भारत की जो राजनीतिक एकता है सबसे बड़ी समस्या। पहली बार भारत में एक राजनीतिक एकता बनी और एक प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी साम्राज्य का निर्माण हुआ। इस साम्राज्य के पतन के बाद आप देखेंगे कि जो भारत की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न होने लगी, और भारत की उत्तरी पश्चिमी मार्गों से ये जो भारत का नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, आप देखेंगे कि जो पंजाब और जम्मू कश्मीर का फील्ड है, उत्तर पश्चिमी मार्गों से अनेक जो है विदेशी आक्रमणकारी अनेक स्थानों पर अलग अलग राज्य स्थापित करने लगे, और खास करके दक्षिण भारत के भी कई सामंतों ने भी अपनी स्वतंत्र स्थिति को की घोषणा कर दिया। तो हमारे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब यह है कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मौर्यों के पतन के बाद, ठीक है, पहला तो विदेशी आक्रमण, ये इंपॉर्टेंट है। विदेशी आक्रमण में आप देखेंगे कि बहुत सारे शासक हुए, जैसे हिंद एवन शासक, हिंद यूनानी शासक, कुषाण वंश, ठीक है, ऐसे फिर शक पल्लव, तमाम प्रकार के शासक आए, विदेशी शासक जो उत्तर पश्चिमी भारत के रास्तों से आक्रमणकारी के रूप में प्रवेश किए। उसी प्रकार आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के भी कई सामंतों ने, जो साउथ इंडिया है, यहां पर बहुत सामंत थे छोटे छोटे, जिन्होंने अपनी स्वतंत्र स्थिति की घोषणा कर दी। इससे पहले मौर्य साम्राज्य जब था तो ये लोग स्वतंत्रता की घोषणा नहीं किए थे, लेकिन मौर्यों के पतन के बाद इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। इस प्रकार आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का संबंध गोदावरी तथा सिंधु घाटी क्षेत्र से टूट गया। अब मगध के वैभव का स्थान साकल, विदिशा, प्रतिष्ठान आदि कई नगरों ने ले लिया। यानी कि जो मगध मौर्य एम्पायर में एक प्रमुख उत्कर्ष पे था, अब धीरे धीरे उसकी जो स्थिति है वह बदलता चला जा रहा है। तो इस प्रकार इसी काल को हम लोग मौर्योत्तर काल के रूप में जानते हैं, जिसका अध्ययन करेंगे। एक बात जो बेहद इंपॉर्टेंट है मौर्योत्तर काल के बारे में, यह काल 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक की ऐतिहासिक घटनाओं का काल था। जो मौर्योत्तर काल है यह आप देखेंगे तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक की ऐतिहासिक घटनाओं का काल था, ठीक है, जिसमें इतनी विविधता थी कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्यों के बीच तारतम्य बैठाना बहुत ही मुश्किल था। यानी मौर्योत्तर काल में यदि बात किया जाए तो बेहद जो है असमानता, इनकी जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति था, इनमें आपस में एकरूपता बैठाना बड़ी मुश्किल कहानी है, ठीक है। इस प्रकार मौर्योत्तर काल में शासन करने वाले शासकों को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला तो है देशी शासक। पहला कौन है? पहला है देशी शासक। अब देशी शासक में कौन कौन?
देशी शासक में आप देखेंगे जैसे शुंग वंश हो गया, कर्ण वंश हो गया, सातवाहन वंश हो गया, चेदी वंश हो गया, चेदी वंश में ही देखेंगे महामेघवान वंश। फिर इसके बाद विदेशी शासक जो आक्रमणकारी के रूप में प्रवेश किए नॉर्थ वेस्ट के रास्ते से, इसमें आप जब बात करेंगे तो आप देखेंगे इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, शक, पार्थियन, पल्लव, फिर कुषाण, ठीक है, इस प्रकार विदेशी शासक भी प्रवेश किए। ठीक है, क्योंकि आप ये जो इतिहास है थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं साउथ इंडिया, तो देखिए नॉर्थ इंडिया में क्या है, यहां पे जो आक्रमणकारी हैं, जो आक्रमणकारी हैं वह लोग तो आ गए, लेकिन यहां दक्षिण भारत में जो है, दक्षिण भारत में यहां पे आप देखेंगे तो शुंग वंश, कण वंश और सातवाहन वंश, शेदी वंश, ठीक है, ये लोग यहां पे आके कब्जा किए, जो कि एक सामंत थे। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं देशी शासकों के बारे में। देखिए देशी शासकों में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शुंग वंश के बारे में, बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला प्रश्न, शुंग वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, और यह जो है मौर्य साम्राज्य में, जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। बाण भट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है, पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी था। ठीक है, बाण भट्ट ने अपने हर्षचरित्र पुस्तक में जो है, जो उनका एक काव्य है, उसमें इन्होंने पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। ठीक है, और इस प्रकार हर्षचरित पुस्तक से भी हम शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत भी मानते हैं। ठीक है, ये सब भी प्रश्न बनते रहते हैं। शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों साक्ष्यों से प्राप्त होती है, एक साहित्यिक और पुरातात्विक। आपको कुछ लिखित स्वरूप से भी शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है, जो पुरातात्विक है, जो खुदाई के द्वारा जो अभिलेख, लेख, ऐसे तमाम सारे शिलालेख, ठीक है, कला, आर्किटेक्चर जो है, इससे भी पता चलता है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में यदि बात किया जाए, साहित्यिक स्रोत की यदि बात किया जाए तो पुराण, जैसे वायु और मत्स्य पुराण, साहित्यिक स्रोत में क्या है, पुराण है, जिसमें आपका वायु और मत्स्य पुराण है। ठीक है, इससे पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, यह बेहद इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, हर्षचरित जो बाण भट्ट ने लिखा है, इससे क्या पता चलता, तो हर्षचरित इसकी रचना बाण भट्ट ने की थी, इसमें अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की चर्चा है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था, यह बात महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार साहित्यिक साक्ष्य में ही पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे, इस ग्रंथ में एवनों के आक्रमण की चर्चा होती है, एवन, ठीक है, एवनों के आक्रमण के बारे में चर्चा होती है। ठीक है, गार्गी संहिता, इसमें भी एवन आक्रमण का उल्लेख है, यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है,
माल विकाग्नि मित्रम, यह कालिदास का नाटक है। माल विकाग्नि मित्रम यह कालिदास का नाटक है जिससे शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, दिव्यावदान, दिव्यावदान इसमें पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। ठीक है, इसमें जो है आप देखेंगे दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग को 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। अब बात करते हैं हम लोग पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, कौन सा सोर्स, पुरातात्विक सोर्स की बात करते हैं। पुरातात्विक सोर्स में आप देखेंगे कि अयोध्या अभिलेख, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा है, आरओआर में पूछा था अयोध्या अभिलेख। ठीक है, इस अभिलेख को पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी धनदेव ने लिखवाया था। इस अयोध्या अभिलेख को पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी धनदेव ने लिखवाया था। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए दो अश्वमेध यज्ञों की चर्चा है। ठीक है, फिर बेसनगर का अभिलेख, यह एवन राजदूत हेलियोडोरस का है जो गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है, बेसनगर का अभिलेख। ठीक है, इससे भागवत धर्म की लोकप्रियता का भी पता चलता है। जो बेसनगर का अभिलेख है शुंग वंश के बारे में, इससे जो है भागवत धर्म पे लोकप्रियता का पता चलता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसके बाद है भरहुत का लेख, भरहुत ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, भरहुत का लेख, इससे भी शुंग काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त सांची, बेसनगर, बोधगया आदि स्थानों से प्राप्त स्तूप एवं स्मारक शुंगकालीन कला एवं स्थापत्य की विशिष्टता का ज्ञान कराते हैं। शुंगकाल की कुछ मुद्राएं कौशाम्बी, अहिच्छत्र, अयोध्या तथा मथुरा से प्राप्त हुई है। ठीक है, जिनसे तत्कालीन ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट पुष्यमित्र शुंग के बारे में, जैसे पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपको हमने बताया कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था, यह भी बात ध्यान रखने की है। पुष्यमित्र शुंग जो है यह है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। दिव्यावदान से पता चलता है कि वह पुष्य धर्म का पुत्र था, पुष्य धर्म का पुत्र था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने दो अश्वमेध यज्ञ किए, जो कि आपको हमने बताया है सब बातें। दूसरी बात जो बेहद इंपॉर्टेंट है, पुष्यमित्र के शासनकाल में कई विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। पुष्यमित्र शुंगवंश का जो शासक है, इसके शासनकाल में कई विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। इस प्रकार आप देखेंगे तो पुष्यमित्र के राजा बन जाने पर मगध साम्राज्य को बहुत बल मिला था। सबसे बड़ी बात, जब पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना किया, राजा बना, तो जो मगध साम्राज्य था, चूंकि इससे पहले मौर्यों के समय में उत्कर्ष में था, तो इसको बहुत बल मिला। जो राज्य मगध की अधीनता त्याग चुके थे, पुष्यमित्र ने उन्हें फिर से अपने अधीन कर लिया। पुष्यमित्र ने अपने विजय अभियानों से सीमा का भी विस्तार किया है। जैसे आप देखेंगे विदर्भ यानी बरार की विजय, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो विदर्भ का शासक यज्ञसेन था, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यज्ञसेन, विदर्भ का शासक कौन था, यज्ञसेन, वह मौर्यों की तरफ से विदर्भ के शासक पद पर नियुक्त हुआ था।
परंतु मगध साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने स्वयं को विदर्भ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ठीक है, और इस प्रकार यज्ञसेन को सुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया और पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर विदर्भ को फिर से मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया। विदर्भ का शासक कौन था? यज्ञसेन था। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल डेटा के रूप में कि विदर्भ का शासक यज्ञसेन था, कर लिया। ठीक है, क्योंकि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम में यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कथा के साथ साथ विदर्भ विजय का वृतांत भी उल्लेखित है। ये जो विदर्भ विजय हुआ है जिसमें पुष्यमित्र ने आदेश देकर अग्निमित्र से उस पर आक्रमण करवाया, उसे जीता, तो कालिदास का प्रसिद्ध जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम, इसमें जो है ये यज्ञसेन जो विदर्भ का शासक था और यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कथा के साथ साथ विदर्भ विजय का वृतांत भी उल्लेखित है। इसके साथ साथ इन्होंने खारवेल युद्ध में आप देखेंगे क्या है, क्योंकि मौर्य वंश के अंतिम दिनों में जब मौर्य साम्राज्य चल रहा था अपने पतन की ओर, अंतिम दिनों में आप देखेंगे कि कलिंग नरेश वर्तमान उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गया था और कलिंग का राजा खारवेल था। खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र सुंग को पराजित किया था। खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर जो है पुष्यमित्र सुंग को पराजित किया था, जो हाथी गुंफा अभिलेख से जानकारी मिलता है। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग के समय में एवं आक्रमण हुआ था, इसका वर्णन मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। डेमेट्रियस नामक हिंद एवं राजा पुष्यमित्र का समकालीन था। डेमेट्रियस नामक राजा जो है, जो हिंद एवं राजा था, वो पुष्यमित्र का समकालीन था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जब पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी कौन हुए हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी, सुंगवंश का जो शासक है पुष्यमित्र, उसके उत्तराधिकारी कौन कौन है? तो पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र जो है साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ और पुष्यमित्र के राजत्व काल में ही अग्निमित्र विदिशा का गोप्ता यानी कि उपराजा बनाया गया था और कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम में नाटक में इनकी प्रेम कथा के बारे में बताया ही आपको। ये रहे हैं, इस प्रकार भागवत ने इस प्रकार ऐसा यज्ञमित्र भी भागवत धर्म ग्रहण किए थे। विदिशा यानी कि बेश नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। ठीक है, एक जो बेहद इंपॉर्टेंट बात है वह यह है कि देवभूति सुंगवंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसके मंत्री वसुदेव ने इसकी हत्या कर एक नए वंश कर्ण वंश की नींव रखा था। तो आगे हम लोग कर्ण वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यही से जोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, सुंग वंश, कर्ण वंश, तब आंध्रियम सातवाहन वंश। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा कला पे बात करते हैं। सुंग वंश की कला के, शुंगकालीन कला क्या है? विदिशा का गरुड़ स्तंभ,
भाजा का चैत्य एवं बिहार अजंता का नवा चैत्य मंदिर, नासिक तथा कारले के चैत्य, मथुरा के अनेक अच्छी अच्छड़ियों की मूर्तियां प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, शुंगकालीन कला में शुंग कला के विषय धार्मिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन से अधिक संबंधित है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। शुंगकालीन के विषय जो है, कला के विषय धार्मिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन से अधिक संबंधित है। शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया था। शुंग काल में ही संस्कृत भाषा तथा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। अगर हिंदू धर्म की बात किया जाए कि पुनरुत्थान दोबारा जो है पुनः एक मजबूती के साथ शुरुआत, तो संस्कृत भाषा का भी शुंग काल में हुआ था और हिंदू धर्म का भी पुनरुत्थान हुआ था। इनके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी युग में हुई थी। जो मनुस्मृति है उसकी जो रचना हुआ था वो इसी युग में हुआ था। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात, इस काल में ही आपको हमने बताया है कि भागवत धर्म, कौन सा धर्म, भागवत धर्म का उदय व विकास हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुआ। इसी काल में जो है भागवत धर्म का उदय व विकास हुआ। आप जानते हैं कि मौर्य काल में स्तूप जो है कच्ची ईंट और मिट्टी की सहायता से बनते थे, लेकिन शुंग काल में इनके निर्माण में पाषाण का प्रयोग किया गया, पत्थर वगैरह। ठीक है, और शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण का काल माना जाता है। शुंग राजाओं का जो काल है वो वैदिक व ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण का काल माना जाता है और पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास देखेंगे। जय हिंद।